इनके कपड़ों से कुछ चीजें निकली। थैंक यू। वेलकम। मिस्टर अली, अली अमार। आपका नाम अली अमार नहीं है जी? क्या नाम है आपका? मुझे नहीं पता। आपका एड्रेस क्या है? पता नहीं। आपकी बॉडी मुझे इस शहर से दूर दरख्तों के एक झुंड में मिली थी, वो भी इत्तफाकन। आपको मालूम है कि आप वहां कैसे पहुंचे? किसने आपको वहां फेंका? मुझे कुछ याद नहीं। मुझे आप आराम करें, आराम करें, मैं बाद में आ जाऊंगा। मिस्टर फरहान, मेरी जान बचाने का बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ आखिर हुआ क्या है। शायद कोई शॉट लगने से ऐसा हो गया। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा जल्दी आपके पैसे लौटा दूं जो आपने हॉस्पिटल को पे किए मेरे लिए। अली साहब, ये आपके कार्ड्स हैं, आपके कपड़ों में से मिले थे। लेकिन मेरा नाम तो अली अमार नहीं है और मैं बैंक ऑफ अमेरिका में काम भी नहीं करता। तो फिर I don't know। इतना बड़ा शॉक लगने के बाद ऑब्वियसली ठीक होने में कुछ देर तो लगती है। व्हाई डोंट यू गो बैक टू योर बैंक एंड फाइंड आउट समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हो सकता है वहां से आपको कोई गुज़िश्ता जिंदगी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए आपकी। एनीवे, यू गॉट माय नंबर, सो प्लीज फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। जब आपका दिल करे मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज, गुड लक।
पे बैंक ऑफ अमेरिका की ब्रांच होती है जी। कुछ देर पहले यहाँ से शिफ्ट हो रही है, ये बिल्डिंग हमारे बैंक ने खरीदी है। अच्छा अच्छा, बैंक ऑफ अमेरिका का एड्रेस होगा जहाँ ब्रांच शिफ्ट हुई है, जरा बता देंगे? बैंक ऑफ अमेरिका ने इस मुल्क में तो ऑपरेशन और ब्रांचेज खत्म कर दिए। आप उनकी वेबसाइट जाके देख लें कि नजदीक एक ब्रांच कौन सी होगी। मेरा ख्याल है कि मिडिल ईस्ट में कहीं होगी। मिडिल ईस्ट में? अच्छा, उनके जो एम्प्लॉयज काम करते थे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन के सीरीज वगैरह? ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को कहीं से भी नहीं मिलेगी। वैसे भी जब कोई मल्टीनेशनल बैंक किसी भी मुल्क में अपनी ब्रांचेज को खत्म करता है तो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वैसे आप किसको ढूंढ रहे हैं, आपको किसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए? अच्छा नहीं, थैंक यू। एक आदमी का वीजा लगाने के लिए कहा था, लग गया। तो फिर वो इस वक्त जेल रोड पे खड़ा क्या कर रहा है बताओ मुझे? खुदा करे कि मुझे धोखा ही हुआ हो। अगर तुमने अपना काम पूरा ना किया तो तुम नहीं जानते कि तुम कितने बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे। सुना तुमने? शट अप। जी बोल रहा हूं, अली अम्मार। मगर आपने तो कहा था कि आपका नाम अली नहीं है। कौन लोग, कौन लोग आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर अली? I'm not sure, लेकिन मुझे ये यकीन है कि मुझे किसी बहुत ही गहरी और किसी बहुत बड़ी साजिश में फंसाया जा रहा है। पर ये आप कैसे कह सकते हैं? हो सकता है कि आपके साथ कोई हादसा पेश आया हो या फिर कोई पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाह रहा हो। गाड़ी में नजर आया। कौन सा आदमी? मैं बैंक ऑफ अमेरिका गया था, मुझे वहां जाके मालूम हुआ बैंक ऑफ अमेरिका तो बंद हो चुका है, अब वहां कोई और बैंक खुल गया। बैंक ऑफ अमेरिका अपने ऑपरेशंस बंद करके इस मुल्क से जा चुका है। मेरे क्रेडिट कार्ड भी जाया हो चुके हैं। फिर मैं जब वहां से निकला तो मुझे लगा कि दो आंखें मेरा ताकुब कर रही हैं। जल्दी मेरा अंदाजा सही निकला। क्या आपने उसके चेहरे को गौर से देखा था? हाँ। क्या पहले आपने उसे कहीं देखा हुआ था? नहीं, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन 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 उसकी आंखें, उसकी आंखें ऐसी नहीं जैसे उनमें खून उतरा हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं और लोग मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो अपनी याददाश्त भूल चुका हो और उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा हो, इन ऑल प्रोबेबिलिटी दूसरी दफा। पहले वो एक दफा नाकाम हो चुका है, मगर क्यों?
पता नहीं, लेकिन इससे एक बात साबित होती है कि मेरी जान खतरे में है। मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए ताकि किसी को यह ना पता चले कि मैं जिंदा हूं। I disagree. मेरे ख्याल में तो हमें चीख चीख कर सबको बताना चाहिए कि आप जिंदा हैं। क्या आप क्या कह रहे हैं? आपके दुश्मन सिर्फ आपके चेहरे को जानते हैं, उन्हें यह मालूम नहीं है कि आप अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। तो हम कल के अखबार में एक प्रेस रिलीज लगवाएंगे और साथ में आपकी तस्वीर भी होगी। उसमें लिखा होगा कि ये शख्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है और उसके जरिए बहुत सारी बातें मंजरे आम पर लाना चाहता है। लेकिन मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहूंगा? और इस तरह तो जो लोग मुझे मारना चाह रहे हैं वो भी खबरदार हो जाएंगे। एग्जैक्टली। हो सकता है आपके दुश्मनों के साथ साथ कोई दोस्त भी मिल जाए और फिर उस दोस्त के जरिए हमें पता लगे कि आप असल में हैं कौन। लेकिन मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहूंगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आप कुछ कहेंगे ना? सुधीर, इसमें अपना एड्रेस और फोन नंबर देना दिया? नहीं, सिर्फ ईमेल दिया। क्या बोली? ठीक तो पानी लागे? डॉक्टर ने कहा था कुछ लगेंगे। दवाई इतनी महंगी है, खरीद भी नहीं सकता। बीमारी मुझे भी कौन नहीं थी। क्या कहा डॉक्टर ने? कौन सी बीमारी? एंथ्रैक्स। सारी मुसीबतें मुझे पे आ रही। याददाश्त, एंथ्रैक्स, पहले भी जाने कहां है। आखिर खुदा मुझसे क्या चाहता है? हौसला रखो अली, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। क्या फायदा हुआ प्रेस रिलीज का? एक भी ईमेल नहीं आई। लो आ गई ईमेल। किसकी? यूनिबॉल फार्मास्यूटिकल कंपनी। यूनिबॉल फार्मास्यूटिकल? स्ट्रेंज, मैं तो समझा था कि ये कंपनी बंद हो गई है। आई गेस आई वॉज रॉन्ग। किसने भेजी? यूनिबॉल फार्मास्यूटिकल कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर ने, मिलना चाहता है तुमसे। क्यों, मुझसे क्यों मिलना चाहता है? ये मालूम करने का तो बस एक ही तरीका है। जी, मेरा नाम फरहान है। कल अखबार में प्रेस रिलीज मैंने दी थी जिसको आपने रिस्पॉन्ड किया था। फरहान साहब, मैं श्वेब साहब से बात करना चाहता था जी। श्वेब जी, जिसकी वो तस्वीर आपने दी अखबार में जी। अच्छा, आप उसे कैसे जानते हैं? मेरे बॉस थे वो। दरअसल जब वो रिजाइन करके गए हैं तो मुझे ही प्रमोट करके उनकी सीट पर तरक्की दी गई है। इस वक्त वो जरा बाहर गए हुए हैं। आप मेरा एड्रेस लिख लीजिए। 156J मॉडल टाउन लाहौर। गॉट दैट? ऑलराइट। सिर्फ मैं एड्रेस बता दिया, अगर उसने कोई मुझे नुकसान पहुंचाना हो तो? और अगर उसने तुम्हारे माजी के बारे में कोई जरूरी बात बतानी हो तो? ठीक है शोएब। शोएब साफ नजर आ रहा है। तुम ऐसा करो, छुपने के लिए कुछ जगह देख लेना। अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो उसके सामने ना आना। मैं कहूंगा कि मैंने तो कोई प्रेस रिलीज नहीं दी, किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन अगर हमें लगा कि वो वाकई तुम्हारा दोस्त जानने वाला है तो फिर उसे बैठकर गुफ्तगू करेंगे। मुझे लगता है कि आज ये केस एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ मुड़ेगा। कौन सा केस? अली और शोएब वाला केस। फैसल जी, फरहान कहते हैं, आइए।
इधर आ जाइए। क्या चलेगा, चाय या कॉफी? नहीं नहीं कुछ नहीं। वैसे आपका घर है बहुत शानदार फरहान, आपको आर्ट की समझ भी है और शौक भी। सिर्फ आर्ट से लगाव नहीं बल्कि साइंस से भी लगाव है मुझे। मेरे नजदीक आर्ट और साइंस में कुछ खास फर्क नहीं है। शुएब, कैसे हो? शुएब? कौन शुएब? अस्पताल पहुंचकर शुएब का चेकअप करवाया, तब उसकी हालत बहुत कमजोर थी। किसी ने उसे ड्रग्स इंजेक्ट कर करके उसका ब्रेन स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया, उसकी वजह से उसकी याददाश्त बिल्कुल खत्म हो गई। कुछ दिन अस्पताल में गुजारने के बाद हालत अब थोड़ी सी बेहतर है। थोड़ी सी? एंथ्रेक्स से अभी पूरी रिकवरी नहीं हुई। एंथ्रेक्स? तुम्हें एंथ्रेक्स है? हाँ, एंथ्रेक्स की बहुत ही नई और रेयर फॉर्म। डॉक्टर्स को भी इसके बारे में मालूम नहीं है। एंथ्रेक्स की वैक्सीन तो मिलती है मार्केट में, लेकिन यह बहुत खतरनाक और महंगी बीमारी है। खतरनाक तो है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसकी दवाई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हैरत है तुम एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जिसकी दवाई तुम्हारी अपनी कंपनी बनाती है। लेकिन शुएब तो बैंक ऑफ अमेरिका में काम करता था। बैंक ऑफ अमेरिका? जी नहीं, शुएब पिछले कई सालों से यूनिवर्ल फार्मास्यूटिकल में काम करता था, बल्कि यूं कहिए कि कुछ अरसा पहले तक। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मैं आपको रोजाना रिपोर्ट किया करता था, आप मेरे बॉस थे। यूनिवर्ल फार्मास्यूटिकल्स? मगर मेरे ख्याल में तो वो कंपनी बंद हो गई थी। बंद होते होते रह गई। कुछ अरसा पहले यूनिवर्ल को प्रॉफिट होना शुरू हो गया, उसके तमाम कर्जे उतर गए, बल्कि आजकल तो यूनिवॉल मुनाफे में जा रही है। आप कितने अरसे से वहां काम कर रहे हैं? 4 साल से काम कर रहा हूं। इसका मतलब है कि शुएब वहां पे आपसे पहले से था? जी हाँ, तकरीबन मेरे आने से 3 साल पहले से। इसका मतलब है कि लेकिन मैं तो बैंक ऑफ अमेरिका में काम करता हूं, मेरे पास उसके आईडी कार्ड निकले, क्रेडिट कार्ड निकले। पुलिस को गुमराह करने का एक तरीका था ये, उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए। लेकिन किसने डाले और क्यों? किसी शख्स ने तुम्हारी जेब में वो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह डाले ताकि तुम्हें अपनी गुज़िश्ता जिंदगी के बारे में कुछ याद ना रहे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें वो ड्रग्स भी लगाए और एंथ्रेक्स की तरफ एक्सपोज किया। किसी को तुमसे बहुत ज्यादा खतरा है शुएब। लेकिन किसको खतरा है ये जानने के लिए तो हमें शुएब की पिछली जिंदगी के बारे में कुछ मालूम करना होगा। लेकिन मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कहां से पता चलेगा? यूनिबॉल के दफ्तर से। हमें वहां बड़ी खामोशी से जाना पड़ेगा। लेकिन फरहान, तुम लोग किस किस्म की इंफॉर्मेशन देखने जा रहे हो? तुम्हारी गुज़श्ता जिंदगी के बारे में कुछ भी मालूम हो जाए, एनीथिंग। तुम्हें यकीन है कि मैं वाकई वहां काम करता था? फैसल को मालूम है? हाँ। तो हो सकता है कि वहां पहले से भी हमारा इंतजार करो। नामुमकिन सा इत्तफाक होगा। क्यों? यूनिबॉल के दफ्तर जाना मेरा आइडिया था। बहरहाल हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें वहां गार्ड्स की तब्दीली से पहले बाहर निकलना होगा। आई थिंक दफ्तर आ गया होगा। दखल में लाइटें ऑफ कर दो। हाँ। Thank you.
शुएब, जब आप यहां से गए तो आपकी कुछ चीजें थी आपके टेबल के ऊपर, कोई जाती किस्म की, मैंने ऐसे भी संभाल कर रखी हुई। हाँ ऐसे जब तुमने इसकी चीजें वगैरह संभाली थी तो इसके पेपर्स वगैरह भी होंगे या फिर इसके कंप्यूटर में कोई डेटा वगैरह, वो सब कहाँ है इस वक्त? फाइलें तो आई थिंक चोरी हो गई थी, उनका रिकॉर्ड तो नहीं होगा। चोरी हो गई थी दफ्तर में से? हाँ हाँ, बल्कि उसके मुतालिक तो ऑफिस के गार्ड्स तक को कोई खबर नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों का ख्याल है ऑफिस के अंदर कि वो तमाम पेपर्स और तमाम चीजें लेकर शोएब गायब हुआ था। उन फाइलों में क्या था? यूनिबल फार्मास्यूटिकल के तमाम ट्रेड सीक्रेट्स उन फाइल्स में थे। लेकिन आपके बॉस के पास उसकी कोई ना कोई कॉपी तो होगी? बिल्कुल भी नहीं, उसकी वजह यह है कि बॉस शोएब पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे और उन तमाम चीजों के ओरिजिनल भी शोएब के पास रहा करते थे। इसका मतलब है कि मगर उन फाइलों से फायदा किसको हो सकता है? कोई भी केमिकल या फार्मास्यूटिकल कंपनी उन फाइलों में मौजूद तमाम सीक्रेट्स के बदले अच्छी खासी रकम ले सकती थी। यानी शोएब के पास वो फाइलें चोरी करने का मोटिव था? बिल्कुल, लेकिन मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की, मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। ये तो वक्त आने पे पता लगेगा। अब वो डेटा कहाँ है कंप्यूटर वाला? बॉस के कंप्यूटर। तो ऑन करो उसे। हाँ, ये इसकी काम है, अभी कोई गार्ड्स अंदर आ सकते हैं, उसके अलावा कंप्यूटर हैक करना गैर कानूनी काम है। इसके अलावा मेरे पास इसका पासवर्ड भी नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, कम ऑन, शाबाश, स्विच ऑफ। याद आ जाए कि क्या पासवर्ड है। कम ऑन, जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। इनवैलिड पासवर्ड। गार्ड की अंदर भी आते हैं, अब गार्ड में से अंदर आ गया ना तो तुम तीनों गार्ड तैनात करो कि बाहर खुल न जाए और तुम मेरे साथ आओ। दो मिनट है हमारे पास। एक मिनट, अपना बयान जुदा उतारो, अपना बयान जुदा उतारो। तुम्हारे पांव के नीचे एक नंबर लिखा है, टेल मी व्हाट इट इज। AX299989. Yes. Printer on कर। बाबा जी, मैं इस ऑफिस में 4 साल से काम कर रहा हूँ, मैं किसी भी दरवाजे से अंदर आ सकता हूँ। क्लियर? सॉरी सर, राइट सर। चाहते हुए दरवाजा बंद करके जाइएगा। That was close. Come on, let's go.
कागजात से तो मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तो कंपनी के इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस और परचेज ऑर्डर्स वगैरह, लेकिन ये तो शुएब का लिफा है। शुएब जरा साइन करना है इधर। क्यों करो तो सही। ये दस्तखत तो आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो बहुत ही उलझा हुआ केस है। फैसल, जब शुएब तुम्हारी कंपनी में काम करता था तो उस वक्त उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी? मुझे ज्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन परचेज ऑर्डर्स को अप्रूव करना और फिर बाहर से कौन कौन से केमिकल आते हैं, उनकी पेमेंट्स कैसे कैसे होती है, उनकी अथॉरिटी और हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन के नए नए तजुर्बात को डॉक्यूमेंट करना भी उसी में शामिल था। एंथ्रेक्स की दवाई कोई और कंपनी इंपोर्ट नहीं करती? नहीं। क्यों? इसलिए कि एंथ्रेक्स इतनी रेयर बीमारी है और इसकी दवाई इतनी महंगी है कि कोई भी कंपनी कारोबारी तौर पर उसको इंपोर्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकती। यूनिपॉल फार्मास्यूटिकल्स ने पिछले 6 महीने में किस मकदार में ये दवाई इंपोर्ट की थी? तकरीबन 90 लाख रुपए की। आई थिंक वी गॉट इट। नहीं, लेकिन अगर इस कंपनी ने 90 लाख रुपए की दवाई इंपोर्ट की है तो उससे फर्क क्या पड़ता है? तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मेरे ख्याल में तो ये कंपनी बंद हो चुकी है। तो फिर 90 लाख रुपए एक ऐसी दवाई में इन्वेस्ट करना जो एक बहुत ही रेयर डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए है, डजंट मेक सेंस। ये बात है तो मेरे आने से पहले की, लेकिन तुम ठीक कह रहे हो, इट डजंट मेक सेंस। लेकिन इस 90 लाख रुपए की दवाई से कंपनी ने 4 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो सोच समझ कर ये इन्वेस्टमेंट की गई होगी। कुछ नहीं बल्कि बहुत सोच समझ के ये इन्वेस्टमेंट की गई है। मुल्क में एंथ्रेक्स का पहला केस कब हुआ था? पिछले साल जून में। और उसके बाद एंथ्रेक्स पूरे मुल्क में एक जंगल की आग की तरह फैलना शुरू हो गई। पिछले साल जून में, जून से लेके सितंबर तक हजारों केसेस एंथ्रेक्स के हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट किए गए थे, और इस तरह यूनिबॉल ने वो दवाई मुंह मांगी कीमतों पर भी बेची, और इस तरह 90 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से 3 महीनों के अंदर 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। छोटा सा मसला है, यूनिबॉल ने वो दवाई जनवरी में इंपोर्ट की और ये आउटब्रेक जून में हुआ। तो यूनिबॉल फार्मास्यूटिकल वालों को कैसे पता लग गया कि 5 महीने बाद एंथ्रेक्स की वबा फैलने वाली है? यूनिबॉल फार्मास्यूटिकल ने अपने रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एंथ्रेक्स फैलाने का कोई तरीका ढूंढ लिया। उन्होंने खुद ये बीमारी माशरे में फैलाई और फिर दवाई को ब्लैक मार्केट के जरिए बेचना शुरू कर दिया। इस तरह वो 90 लाख की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी रिस्की नहीं थी, इनफैक्ट 100% सेफ थी और 100% गैर कानूनी भी। लेकिन तुम्हारे पास इस बात का क्या ठोस सबूत है कि तुम जो ये सब कुछ कह रहे हो ये सही है? और फिर मैं इस शॉट में कैसे फंसाया गया? इसका जवाब तो फैसल देगा। मैं? लेकिन मैं कैसे दूंगा? डरो नहीं, हमें यूनिबॉल फार्मास्यूटिकल्स के MD तक लेके जा सकते हो तुम। इस केस की सबसे अहम और आखिरी चाबी MD के पास है। कौन हो तुम? वैसे मेरे घर में क्या कर रहे हो तुम? सर, मेरा नाम फरहान है और मैं आपको एक बहुत बड़े फ्रॉड के बारे में इत्तला देने आया हूँ। एक ऐसे जुर्म के बारे में जिसमें आपकी अपनी कंपनी के लोग मुलव्वस हैं। क्या? जी सर, यूनिबॉल फार्मास्यूटिकल कंपनी के लोग। क्या कह रहे हैं तुम? सर, आपको याद होगा कि आपका एक एम्प्लॉई था श्वेब, जो कुछ अर्सा पहले गायब हो गया था।
बड़ी मुश्किल से फैसल की मदद से मैं उसे पकड़ के लाया हूँ आपके सामने ताकि आप खुद फैसला कर सकें। शायद तुम? सर, ये आपकी कंपनी के अहम डॉक्यूमेंट्स लेके फरार होना चाहता था। He is a criminal. क्या कह रहे हो फरहान? शाह सर, आपकी कंपनी के अहम राज जो कि कंप्यूटर में थे, मसलन आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स, आपकी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ये सब किसी दूसरी कंपनी को बेचना चाहता था। ये शुरू से मालूम था कि यास्तीन का सांप है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं भी पुलिस को फोन करता। उसकी जरूरत नहीं है सर, पुलिस को मैंने खुद ही इत्तला दे दी है, वो आ रहे ही होंगे। लेकिन आपको यकीन है कि आपको इस बारे में कुछ इल्म नहीं था? इस किस्म के लोग बहुत होशियार होते हैं, अगर मेरे पास सबूत होता ना तो ये सर, आपको मालूम है कि आपके रिसर्च डिपार्टमेंट में एंथ्रेक्स की एक ऐसी किस्म इजाद की गई है जो कि बहुत आसानी से फैलाई जा सकती है। What? Yes, sir. My guess is कि इसने जानबूझ के ये बीमारी फैलाने की कोशिश की है, जानबूझ के इंसानियत के खिलाफ ये जुर्म किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसा ही किया तुमने। और सर, इसने आपकी कंपनी के फंड्स में से 90 लाख रुपए चोरी किए। फरहान, ये सब बकवास है। ये सच है, ये सच है। तुम्हारे जाने के बाद हमें इस बात का पता चला। और सर, वो 90 लाख की दवाई इसने ब्लैक मार्केट के जरिए बेची, मगर जिन लोगों के साथ इसने डील की थी वो इससे दो हाथ आगे निकले। उन्होंने इसे डबल क्रॉस किया, इसे टॉर्चर किया, इसको अजीब और गरीब टीके लगाए जिसकी वजह से इसकी मेमोरी भी खत्म हो गई, और फिर उसे मरने के लिए किसी बेअबान जगह पर छोड़ा। तो मुझे मिल गया और मैंने इसे बचा लिया, वरना क्यों बचाया तुमने ऐसे शैतान को? ऐसे लोगों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं। कानून के लिए अदालत तो इसे सजा देगी सर, मगर ये बताइए क्या आप इसके खिलाफ अदालत में बयान देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। क्या आप अदालत को ये बताएंगे कि इसने यूनिबॉल फार्मास्यूटिकल्स के साथ एक फ्रॉड किया है? बिल्कुल बताऊंगा। क्या आप इसे जेल भिजवाने में मेरा साथ देंगे? बिल्कुल दूंगा। क्या आप कानून को यह भी बताएंगे कि इसने एक जहरीली और खतरनाक बीमारी जानबूझ के माशरे में फैलाई? बिल्कुल बताऊंगा मैं। और उस बीमारी की दवाई को ब्लैक में बेचा? ये भी बताऊंगा। क्या आप कानून को यह भी बताएंगे कि इसने आपकी कंपनी की ट्रेड सीक्रेट्स किसी और कंपनी को बेचने की कोशिश की? जिन लोगों के साथ इसने ये डील की उन लोगों ने भी इसके साथ वही सलूक किया जो उन्हें करना चाहिए था, टॉर्चर, धोखा? ये भी बताऊंगा। और धोखा देने के लिए उन्होंने इसकी जेल में बैंक ऑफ टोक्यो के कार्ड रख दिए। बैंक ऑफ टोक्यो नहीं, बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका? श्वेब की जेब में बैंक ऑफ अमेरिका के कार्ड्स थे, आपको कैसे पता लगा? आपने तो कहा था कि आपको कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में। असल में तो ये सारी प्लानिंग आप ही की है, इस सारे प्लान के मास्टरमाइंड आप हैं। आपने वो फाइलें गायब की, आपने श्वेब का जाली इस्तीफा लिखा, आपने एंथ्रेक्स बनाने की कोशिश की, और आपने लोगों को हायर करके श्वेब की जिंदगी बचे उसका माजी भी छीनने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि वो आपका साथ नहीं देना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि वो एक गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता था, और सिर्फ इसलिए कि वो आप और आपकी हवस के दरमियान आके खड़ा हो गया था। कहिए, मैं सच कह रहा हूं ना? हाँ, ये सब सच है। तो क्या कर लोगे मेरा? तुम्हारा कानून क्या कर लेगा? किसी को मुझे साबित करने के लिए सबूत चाहिए है तुम्हारे पास? तो बताओ, अदालत बातें नहीं सबूत मांगती है। सबूत तुम्हारे पास? बोलो, क्या तुम मुझे मुजरिम साबित कर सकते? कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है सर, सब कुछ तो आपने खुद ही साबित कर दिया। आपकी तमाम बातें इस टेप रिकॉर्डर में महफूज हैं। फैसल, मेरा ख्याल है कि इंस्पेक्टर परवेज को बुला ले, मुजरिम तैयार है, पुलिस का इंतजार कर रहा है।
थैंक यू फरहान, तुमने मेरी जान बचाई। बस एक छोटा सा काम मेरे लिए कर सकोगे? मुझे मेरी फैमिली तक पहुंचा दो यार। वो कहाँ हैं, कैसे हैं, मैं कैसे उन तक पहुंच सकूंगा? देखो प्लीज। ये काम फैसल करेगा। फैसल, यूनिबॉल कंपनी के रिकॉर्ड्स में से पता करो कि इसका एड्रेस क्या था। शुएब की फैमिली तो मुल्क से बाहर है। तुम उनको जानते हो? हाँ, जब से आपके गायब होने की खबर आम हुई है उसके बाद उन्होंने दिन रात एक कर दिया आपको ढूंढने के लिए। उनके तमाम टेलीफोन नंबर एड्रेसेस मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन वो कहाँ है? तुम्हारा रब्ता उनसे कैसे हुआ? आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा लंदन का टिकट, क्योंकि वो सब लोग वहीं सेटल हैं।